हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वा सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत आपको 6,000 रुपये साल में मिलते हैं, बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है, आइए इस वीडियो में हम जान लेते हैं। यदि आप भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो किनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बताते चले, जिन्होंने अभी तक अपना किसान सम्मान निधि का EKYC नहीं किया है उसको पैसा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम EKYC कैसे करें। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप मोबाइल से, जो आपका आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, OTP के थ्रू आप EKYC कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है। अब आप जब EKYC करवाना चाहते हैं तो आपको CSE केंद्र पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको शुल्क भी देना पड़ेगा। तो आपने अगर पहले OTP से करवा लिया था तो आपको दोबारा से कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर आ रहे हैं जिसमें बताया गया है कि जो OTP बेस्ड यहाँ पर KYC किया गया था उसको बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल OTP के जो थ्रू आपका KYC किया गया था या जो हो रहा है उसको बंद किया गया है, ना कि आपका अगर आपने KYC पहले से कर रखा है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपका पैसा बंद होगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका KYC हो चुका है तो आप CSE केंद्र में भी जाओगे, किसी भी एली के पास भी जाओगे तो वहां पर आपका KYC ऑलरेडी डन लिख करके आएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं किसान सम्मान निधि योजना की, जो 2,000 रुपये की किस्त है वो कब तक आएगी। तो पिछले जनवरी में आपका 2,000 रुपये की किस्त आया था, 10वीं किस्त, और 11वीं किस्त जो है वो मार्च खत्म हो गया है और अप्रैल का महीना शुरू हो गया। तो इस हफ्ते के अंत तक बताया गया है। तो किसी भी दिन, कल परसों, किसी भी दिन आपके खाते में पैसा आ सकता है और आपके मोबाइल में मैसेज मिल सकता है कि आपका किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो आपके खाते में क्रेडिट कर दिया गया है। अब यहाँ पर मोड को लेकर एक अपडेट निकल कर आ रहा है, पेमेंट मोड को लेकर। तो बहुत सारे किसान भाई इसमें भी कंफ्यूज है कि आखिर किसान सम्मान निधि योजना में जो पेमेंट मोड चेंज किया गया है वो क्या है। देखिए, जब आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस में जा करके अपना स्टेटस चेक करिएगा तो वहाँ पर आपको पेमेंट मोड, पहले अकाउंट आता था और किसी किसी का आधार लिखा हुआ होता था, तो अकाउंट को हटा करके यहाँ पर आधार कर दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकाउंट का मतलब होता था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो आपने अकाउंट नंबर दिया है उसी अकाउंट में आपका पैसा आएगा, और आधार का मतलब है कि आधार बेस्ड लिंक्ड यहाँ पर अकाउंट, यानी जो आपका NPCI से लिंक है उसी खाते में आपको पैसा जाएगा। ज़्यादातर जो सरकारी पैसे होते हैं, इस प्रकार के जो पैसे होते हैं जो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, तो वो आपको आधार लिंक बेस्ड जो आपका खाता होता है उसी में दिए जाते हैं। अब एक इंसान का कई सारे खाते हो सकते हैं, जैसे SBI में, PNB में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, सेंट्रल बैंक में, तो 4-5 खाते एक इंसान का होता है, लेकिन आपका पैसा जो है आधार लिंक खाते में जाएगा। तो इसकी जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे, आइए हम पीसी स्क्रीन पर आपको बताते हैं किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपका जो कौन सा खाता है जो आपका NPCI से लिंक है उसी में आपका पैसा जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपने अभी तक EKYC नहीं कराया है तो EKYC आपको करा लेना है, ठीक है। तो आइए पीसी स्क्रीन पर वो भी देख लेते हैं किस तरीके से आप आधार लिंक जो आपका खाता है उसको आप चेक कर पाएंगे। चैनल को विजिट कर रहे हो पहली बार, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और फ्रेश टॉपिक, नई जानकारी के साथ। उससे पहले पीसी स्क्रीन पर आप सीख लो। सो फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिल जाएगा, एक पीएम किसान सम्मान निधि का, ठीक है, जिसमें आप अपना स्टेटस पहले चेक कर लें कि आपका जो पेमेंट मोड है वो अकाउंट है या फिर आधार, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालें और गेट डेटा पर क्लिक करें, आपको आपका डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा जो आपका स्टेटस है, और या पेमेंट मोड में आपको दिखेगा अकाउंट या फिर आधार, ठीक है। अगर आधार दिखता है आपको तो आपने करना क्या है, जो आपका पैसा है वो आधार बेस्ड जो अकाउंट आपका लिंक होगा NPCI से उसमें जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए आप इस वाले साइट पर आ जाएंगे, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करके OTP फिल करेंगे तो आपका जो भी बैंक NPCI से लिंक है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो समझ जाइए कि आपका जो पैसा है उसी खाते में अब जाएगा। आशा है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और फ्रेश टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुद का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।